हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। सो ज़्यादा कुछ बात नहीं करके पहुंचते हैं कि इस वीडियो में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज हम अपने टैंक को खोलेंगे एंड आई विल शो यू हाउ टू ओपन फ्यूल टैंक फॉर रॉयल एनफील्ड हिमालयन, सो दैट कि आगे चल के आपको अगर आपकी बाइक की सफाई करनी है, कुछ भी करनी है, साफ़ करना है, तो आप टैंक हटा के अंदर की चीज़ें मिट्टी वगैरह साफ़ कर सकते हो। और भी बहुत सारी यूजेस हो सकते हैं। खुलवाओगे आप जाके मैकेनिक के पास तो एक विल टेक अराउंड 200-300 रुपये, तो वो बचा सकते हो आप। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे करोगे। अगर सबसे पहले गाइस तो हमें स्विच को ओपन करना है। ये टूल है, ये काम आएगा, तो इसको हम अभी रख देते हैं, काम में आएगा तब दिखाऊंगा। गाइस सबसे पहले हमें ये दोनों स्क्रू को खोलना है। 10 नंबर का टी बार लगता है इसमें। ये हमें दोनों ढीला कर लिया हमने, खोलेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी पहले मैं बता देता हूँ और क्या करना है। सेकंड इज़ आपको ये रिमूव करना है, ये प्लग का स्विच रिमूव करना है। ये दो हो गए, ये और ये, तो दोनों यहाँ एक स्विच है, इस स्विच को आप दबाओगे और इसको आपको सीधा खींचना है। ये निकल गया आपका, ये सेकंड आपको अपना, ये दोनों हमने निकाल लिया, आप देख सकते हो। ये स्पार्क प्लग का स्विच है और ये अपना पेट्रोल के टैंक में जो डालता है, थोड़ा सा पेट्रोल गिर सकता है। ये वाली भी आपको यहाँ जो दिख रही होगी, ये इसको भी खोलना होता है। ये आपको बस इसको यहाँ दबाना है, यहाँ दबाना और इसको खींचना है। खुल गया, इसके पीछे एक और है, वो भी रिमूव करना है आपको। ये दिख रहा है आपको, आपको थोड़ा सा हाथ अंदर जाता नहीं है कभी कभी, बट ये भी निकल गया। देखो आप, ये भी निकल गया। तो गाइस हमने चार चीज़ें खोल ली हैं, चार चीज़ें खोलनी है आपको। एक आपका टैंक का पेट्रोल का जो वायर होता है वो खोलना है, स्पार्क प्लग खोलना है, एक और स्विच होती है इस साइड में, राइट हैंड साइड में तीन होते हैं और इस साइड में एक होता है। गाइस ये रहा टैंक हमारा, टैंक निकल गया। अब आप अपनी बाइक को क्लीन कर सकते हो, जो भी आपको क्लीन करना होता है। बहुत सारी मिट्टी धूल जमी होती है, मैंने तो फ़िलहाल में क्लीन किया था खोल के टैंक को अपना, बट फिर भी आप देख सकते हो। ये खोलना पड़ता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में एक स्विच है ये खोलना पड़ता है, राइट हैंड साइड में आपको ये पेट्रोल जो जाता है वो पाइप आपका आपका स्पार्क प्लग का, और ये आपका एक और स्विच, ठीक है। ये तीन, मतलब याद रखना, राइट हैंड साइड में तीन स्विच खोलना है, लेफ्ट हैंड साइड में एक खोलना है। ये हो गया तैयार हमारा। अब आपको जो साफ़ सफाई करनी है इसमें आप कर सकते हो, अपनी बाइक को चकाचक बना सकते हो। इस साइड की पार्ट को पॉलिश वॉलिश करना है तो कर सकते हो, क्योंकि धोने के टाइम पे यहाँ तक हाथ भी नहीं पहुँचता हमारा, तो दिस इज़ गुड। तो गाइस टैंक अगर आपका खुल जाता है, आप खोल लेते हो ना, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अच्छा कि आप इसकी वायरिंग वगैरह को सब क्लीन कर सकते हो, बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपनी वायरिंग वगैरह को, और तो और थोड़ी साफ सफाई भी कर सकते हो। अब आप सर्विसिंग में भी जाओगे ना, तो सर्विसिंग में भी ये टैंक खोल के नीचे का साफ तो करते नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तब वो कर देंगे रॉयल एनफील्ड वाले, वरना वैसे मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी साफ सफाई इतना करते होंगे। तो देख रहे हो आप, सारी चीज़ आप साफ कर सकते हो बढ़िया तरीके से। तो गाइज वीडियो में यही था कि टैंक को कैसे खोलना है, मैंने आपको दिखा दिया। कैसे लगाना है वो भी मैं दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है, बट वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होगा, तो देख लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है।
तो गाइस 10 नंबर का टी बार ये वाले स्क्रू के लिए, दोनों के लिए लगा दिया मैंने। थोड़ा तकनीक बताता हूँ, ठीक है। जब स्टार्टिंग में लगाओगे तो ये फिट नहीं बैठेगा। आपको क्या करना है, वॉशर जो है वॉशर को इसके नीचे रखना है और स्क्रू अभी मत लगाना, आप स्क्रू नहीं लगाना। और आपको ना एक वहाँ पे जो छेद है उसको मिलाना पड़ेगा सीधा, ठीक है। जैसे ही आप उसका सीधा मिल जाओगे, सीधा तो प्रॉपर पहली बार में नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको इसको यूज़ करना है। यू हैव टू इंसर्ट दिस और इसको हल्का सा पुश करना ताकि टैंक उसकी जगह पे, जैसे ही वो जगह पे आ जाएगा आपको अपना स्क्रू डाल देना वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टाइट कर देना, पहला टाइट हो जाएगा तो दूसरा भी सेम प्रोसेस करना है। अभी लगाते हैं इसके स्विच, एक लग गया, अब उस साइड चलते हैं, आ जाओ। ये आपको लगा देना है एज इट इज, ये लग गया, ठीक है। दूसरा वाला स्विच जो ये हमने निकाला था, इसको आपको यहाँ लगा देना है, ये भी लग गया। मेक श्योर कि ये रबड़ को आप ऊपर कर दो ताकि ये सेट हो जाए, ठीक है। ये भी लग गया। थर्ड अपना स्पार्क प्लग का स्विच, इसको भी लगाना पड़ेगा आपको। अच्छे तरीके से फिट कर दो आप, ये हो गया आपका काम खत्म। अब बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है, बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। को सेल्फी स्टैंड बना लिया मैंने, तो बाइक अपनी स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हो। वीडियो अगर पसंद नहीं होगी आप लोगों को तो एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों को जो अपनी हिमालयन का टैंक खोलना चाहते हैं, साफ सफाई करना चाहते हैं, कर सकते हो। तो बहुत गर्मी है, ठीक है, बाइक स्टार्ट हो गई अपनी। साफ सफाई भी हो गई है, मेरी मम्मी वहाँ साफ सफाई कर रही है। मामी हेलो बोल दो चैनल को, ठीक है। अब बाकी सीट लगाना है, बैक सीट हो गया, जो जो मैंने प्रोसेस बोले हैं ध्यान रखना गाइस। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ, बढ़िया तरीके से चलाओ, टेक केयर, बाय।